भगवान शिव का घर माने जाने वाला कैलाश पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की 18,000 फीट ऊंची लिपुलेख पहाड़ियों से साफ नजर आता है। यहां से पर्वत की दूरी 50 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से भगवान शिव का घर माने जाने वाले कैलाश पर्वत के दर्शन। यह व्यू पॉइंट जोरिंगकोंग इलाके में है, जहां से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है। इसके साथ ही पीएम ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। बता दें कि यहां से 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। पीएम मोदी देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर कैलाश पर्वत के दर्शन किए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में धारचूला से 70 किलोमीटर दूर और 14,000 फीट ऊपर बसा छोटा सा वीरान गांव गुंजी अगले 2 साल में बड़े धर्म नगर शिव धाम के रूप में विकसित हो जाएगा। कैलाश व्यू पॉइंट ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का धारचूला के बाद यही सबसे बड़ा और अहम पड़ाव होगा। यहाँ बड़े यात्री निवास होटल बनेंगे। भारत टेलीकॉम कंपनियों का भी यहाँ नेटवर्क मिलेगा। ये कुंजी व्यास घाटी की उस सुरक्षित जमीन पर है जहाँ न भूस्खलन का खतरा और न ही बाढ़ का खतरा है। अभी यहाँ 20 से 25 परिवार रहते हैं जो मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं। इसके बाद पीएम जागेश्वर जिला अल्मोड़ा जाएंगे। यहाँ वे जागेश्वर धाम के दर्शन करेंगे। करीब 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित जागेश्वर धाम में 224 पत्थर के मंदिर है। उसके बाद पीएम पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। यहाँ वे ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी करीब 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।